नमस्कार दोस्तों, हक एंड क्रो सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेस में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि हम किस तरह से अपने टर्बो सी प्लस प्लस का कलर चेंज करके उसको ज़्यादा इम्प्रेसिव और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ में भी देखा होगा, जो हम टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं उसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू। अगर वो हमारा ट्रांसपेरेंट या वाइट हो जाए या फिर ग्रे हो जाए, इस तरह से हो जाए कि वो हमारी आँखों में ना चुभे, तो हमारी प्रोग्रामिंग और इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो वो किस तरह से चेंज किया जाए भाई टर्बो सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टर्बो सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर्स की, यानी कि हम किस तरीके से टर्बो सी प्लस प्लस को अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के कलर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका बैकग्राउंड तो वाइट हो, यानी कि एकदम प्लेन ब्लू ब्लू ना हो, और जिससे कि मैं अपने आराम से व्यूअर्स को वीडियोस दिखा पाऊँ। तो ये काम करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको पहले ऑप्शन पर जाना होगा, फिर एनवायरमेंट पर जाना होगा। एनवायरमेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कलर्स, आप इस कलर्स पर क्लिक कर दीजिए। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट विंडो, तो एडिट विंडो पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इसके बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर्स दिख रहे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैंक कर रहे हैं और जो फोरग्राउंड कलर है उसको चेक कर रहे हैं। अभी क्या सीन है, अगर हमारा बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर दोनों सेम हो गए तो क्या होगा उस कंडीशन में, कॉन्फ्लिक्शन होगा। और कॉन्फ्लिक्शन की वजह से क्या होगा कि जो कुछ भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होंगे वो हमको इनविजिबल होगा, क्योंकि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर सेम है। तो अगर इस कंडीशन में हम आते हैं तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना होगा, उसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे। देखिए दोस्तों, मैंने लगभग सभी चीज़ों का बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है, बट इलीगल को मैंने रेड कर दिया है, जिससे कि हमको आइडेंटिफाई आसानी से उसके ओके करते हैं। देखिए हमारा एडिटर एकदम रेडी हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए दोस्तों, इस टर्बो सी प्लस प्लस के न्यू अच्छे से देखने वाले एडिटर पर कुछ चीज़ प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए मैंने प्रोग्राम लिखा और इसको रन करता हूँ, कोई एरर नहीं है और रन हो गया जीके, यानी कि हमारा नया एडिटर बिल्कुल ठीक से परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसमें एक छोटा सा एडिटिंग और करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इंटीजर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा इंटीजर ए, और इसमें कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 44 वैल्यू असाइन की है। अब देखिए आपको शायद 44 शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर को अलग अलग होना चाहिए, और जो कि यहाँ पर सेम है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। देखिए मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर 44 ही मैंने टाइप किया था, ये मैंने आपको शो किया है इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करके। तो आइए इसको जल्दी से चेंज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। एनवायरनमेंट में जाएंगे, कलर्स पर जाएंगे, कलर में जाने पर एडिट विंडो, और एडिट विंडो में हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा इंटीजर। तो देखिए किस तरह हमने यहाँ पर देखा कि इंटीजर का फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर सेम है। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर का आइटम का कलर चेंज कर देता हूँ, यानी कि इंटीजर का कलर मैं कर देता हूँ पिंक, तो यहाँ पर पिंक हो जाता है। और देखिए अगर मैं इसको डील सेलेक्ट करता हूँ, तो डील सेलेक्ट करने के बाद हमको इंटीजर शो हो गया पिंक कलर का, जो कि अब ट्रांसपेरेंट नहीं है, और हम आराम से इसको लुकअप भी कर सकते हैं। कोड में छोटा सा चेंज किया है, इंटीजर इक्वल टू 44 और फ्लोट एफ इक्वल टू 44.6, और इन दोनों को हमने प्रिंट कराया। मैं इसको रन कराता हूँ, कोई एरर नहीं और रन हो गया, वैल्यूज आर 4 एंड 44.599। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी हमारा एडिटर है उसके कलर वगैरह में चेंज हुआ है, जबकि फंक्शनैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और लुकिंग वाइज पहले से बेटर दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इस छोटी सी ट्रिक से हमने देखा कि किस तरह से टर्बो सी प्लस प्लस का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग को आप और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनके प्रोग्रामिंग भी इंटरेस्टिंग बने। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।